हे गाइस, वेलकम बैक टू मिनी गार्डन। आज आप लोगों को पेंटास प्लांट के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, किस तरह ग्रोथ करना है, इसको सॉइल मिक्स कैसा है, उसको कब कब पानी डालना है, सूरज का रोशनी कितना टाइम लगना है, वो सब चीज़। आपको ये सब डिटेल में चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं पिंक कलर का है फ्लावर्स, और इसमें रेड कलर है कि फ्लावर है कि बढ़िया दिख रहा है इसमें, और एट्रैक्टिव भी है रेड कलर से जो कलर। इसको पहले सबसे पहले है कि इसको सॉइल मिक्स किस तरह करेंगे। इसको मैं पुराना जो ऑयल डब्बा है, जो तेल मिलता 5 लीटर का, उसमें हम लोग आए हैं। इसको भी सेम हुई इसी में, इसको आके गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट और खाद हम लोग डाल के रखे हैं। इसमें थोड़ा खाद कम है गाय का, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, उसी इसका पत्ती है बहुत खिला खिला है, एकदम ग्रोइंग है, बुशी दिख रहा है एकदम। और इसको रख के भी अब हम लोगों में 6-7 महीना हो गया पेड़ को, और इसका कटिंग से हम लोगों एक नया प्लांट भी डाले हैं। देखो प्लास्टिक डिस्पोजल में डाल के रखे हैं, ये भी जिंदा हो गया है, इसको डाल के अभी 1-2 हफ्ता होता है। और इसको आगे डायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए इसको, और ये परमानेंट फ्लावर प्लांट भी बोलते हैं इसको। इसको 9 और 8 मंथ तक इसको फ्लावरिंग होएगा साल में। उसको केयर करने का टाइमिंग आके जो विंटर सीजन में आके इसको फंगस उंगस लगने का चांसेस है, वो टाइम पर केयर करिए। और वाटरिंग करने टाइम ओवर वाटरिंग मत करिए, ओवर वाटरिंग करने से उसका जड़ों में बैक्टीरिया उक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए ओवर वाटरिंग मत करिए। और इसको जो भी है फूल खिलने के बाद में इसको इस तरह से कटिंग कर लीजिए। इसमें भी फूल खिल गया है, उसके बाद कटिंग कराए बोल के पेड़ उतना हेल्दी नहीं दिख रहा है, इसे देख एकदम बढ़िया हेल्दी दिख रहा है इसको। इसको मिट्टी को आके मैं महीना में एक बार आके इसको थोड़ा निकाल के उसके अंदर गोबर नहीं तो वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए, दोनों में देखो सेम है। और इसका मिट्टी सख्त नहीं होना चाहिए, सख्त होगी तो पेड़ उतना जल्दी ग्रोथ अच्छा नहीं होएगा। इसमें भी देख लीजिए, इसमें बकरी का खाद भी हम लोग डाले हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक कर लीजिए, और कमेंट्स करिए और किस तरह प्लांट के बारे में वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर मिनी गार्डन।